आपको आज क्या बोलना है ट्रिप के बारे में? मैं अपने मन की बात बाद में कहूंगा, है बगैर सब नहीं कहूंगा। और मम्मी का नाम बोलते ही मम्मी आ पहले प्रसाद है, हम दोनों खाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो हॉल गए थे, तो सबसे मेन चीज, बाकी तो हम ऐसे कपड़े वगैरह लेके आए, थोड़े बहुत ग्रोसरी शॉपिंग भी किया। और आज मैं ये देखिए एक और चीज लेके आई हूँ, आप देंगे मेरे को पहना के क्या है? अच्छा। तो काफी दिनों से हम लोगों ने शॉपिंग नहीं किया था, तो ये देखिए ये है के लिए हमारे खरीदी है। डिजाइन तो दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे रखना। पहनाइए तो अभी है, फिर आपका मुंडी भी दिखेगा ना, कौन पहना रहा है कौन पहना रहा है। सॉरी तो सामने वो भी तो सुना, किस बना रहा है किस बना रहा है। अच्छा चलो ये है मुझे और ये हमारे इसको पहन लिया है शानदार तरीके से। अभी ये असली है, नकली नहीं है। लॉल जालखास। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिया आज के लिए, और क्योंकि मुझे ये ना छोटा वाला अच्छा है पहनने के लिए रेगुलर, बट लेकिन मुझे कभी कभी इन फिल्म में ना छोटा छोटा नेकलेस नहीं पहन सकती हूँ ना, ये रहेगा तो। अब तो मैं इसको ऐसे निकाल दूंगी ना, अब एक लंबा है तो छोटा निकाल के इसमें रख दे, फिर लंबा वाला पहन देगा। देखिए ज्वेल कस कितनी अच्छी सी डब्बा देते हैं। हाँ, ज्वेल कस तो अच्छा डब्बा देते हैं। ज्वेल कस के डब्बे कितने, सब ज्वेलर्स अच्छे डब्बा देते हैं, इतना पैसा क्यों नहीं देते हैं। अगर देखिए ना इसका कैसा टेपिंग है। ओह नो, नहीं नहीं इसका छोटा सा पेंट भी थी ऐसा था, अभी निकाल लिए छोटा वाला, अभी बड़ा आ गया तो छोटा वाला को निकाल के। तो ये देखिए ये मेरा न्यू मंगलसूत्र है, काफी लंबा है, और कैसे लग रहा है फ्रेंड्स बताइए। और इसका मैं आपको बिल भी दिखा देती हूँ, ये इसका इनवॉइस है, बताना आपको। इसका वेट है 34 ग्राम्स, 34 ग्राम्स का ये मंगलसूत्र है, और बीड्स का अलग है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपको ये डिजाइन कैसे लगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज आपको बाहर जाते समय कैसा लगा? आके खाली हो गई। नो कमेंट्स। तो इसीलिए मैंने उनको प्रसाद में केला भी दिया है खाने के लिए, पूजा किया मैंने इसका अभी घर में लाने के बाद। इसी के साथ मैं बिल्स को कैसे स्टोर करती हूँ, ज्वेलरी मेरे जितने भी ज्वेलरी है उनके मैं पिक्चर्स निकालती हूँ, और पिक्चर्स निकालने के बाद ईच एंड एवरी बिल के साथ उस पिक्चर को अटैच करती हूँ, और उसका मैंने फाइल क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स फिर किसी दिन मैं जब अपना डॉक्यूमेंटेशन करूँगी, गोल्ड ज्वेलरी जो भी मैं परचेस करती हूँ उसको ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक आइडिया दिखाया था, सिखाया है कि कर लीजिए छोटे से पॉकेट फोटो साइज में, और उसको जो भी बिल होता है उसमें हम अटैच कर देते हैं। लाइक अभी जैसे ये मंगलसूत्र है, तो इसका मैं पिक्चर क्लिक करूंगी और इस बिल के साथ अटैच करके इसको फाइल कर दूंगी। और बहुत से टाइम ये होता है कि कुछ कुछ ज्वेलरीज जो होते हैं वो ज्वेलरी हम सपोज किसी ना किसी रीजन से सेल करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उसको फिर आपको याद रहता है कि इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा कोई भी ज्वेलरी मिसिंग नहीं होता है। और सेकेंड थिंग, क्योंकि हम लोग अब्रॉड में भी रहते हैं तो कुछ हमारा लॉकर में रहता है, तो ये ट्रैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए उसका फाइलिंग हम यहाँ पर करते हैं, और जो जहाँ पर भी स्टोर करना है वो उसकी जगह पे सामान रहता है हमारा, राइट? सही है ना। लेकिन आप जो लोग ऐसे घर में ज्वेलरी रखते हैं उनको तो क्या है, वो डब्बा ओपन कर देंगे अपना बॉक्स और देख लेंगे, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक टिप था जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं अपने ज्वेलरी के डिटेल्स, है ना, फाइल बना के रखा है उसका।
तो आपको अगर फाइल देखना है तो मैं किसी दिन बता भी दूंगी, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मेरे को छुपाऊंगी नहीं। मैं मेरे हस्बैंड को आज डोसा बना के खिलाऊंगी और कुछ अच्छा सा मेरी सेवैया खीर या कुछ खीर बना के खिलाऊंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। 3 मंथ्स के बाद हम लोग शॉपिंग गए थे और मुझे जो चीज चाहिए था वो चीज मुझे मिल गया। तो थैंक यू सो मच सनु। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और कोई सुझाव है तो आप हमको सुझाव दे सकते हैं, आपका सुझाव हम वेलकम करते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में हेमा जोशी 2020। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।